असलम स्टूडेंट एंड वेलकम इन इंग्लिश क्लास फर लेवल टू एंड एट सिक्स लेक्चर एंड दैट आवर टॉपिक नेम इज़ नासिर इन ट्रबल स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में जो इसके रीडिंग का पोशन था उसको पढ़ लिया था रीडिंग को हमने वाइंड अप कर लिया था और उसके साथ बुक वर्क का कुछ पार्ट किया था क्लियर है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमने जो सेंटेंस है उसको रीअरेंज कैसे करते हैं हमने सेंटेंस के पार्ट को पढ़ा था क्लियर है आज हम करेंगे एड्जेक्टिव

उसको डिस्क्राइब करें वो एडजेक्टिव कहलाते हैं फॉर एग्जांपल हम डेली रूटीन में स्टूडेंट बहुत सारे सेंटेंस यूज़ करते हैं जिसमें हम एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं सना इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल क्लियर सना एक मेहनती जहीन लड़की है जिसमें इंटेलिजेंट है ना वो एडजेक्टिव है क्लियर है वो आपके नाउन को क्या कर रहा है डिस्क्राइब कर रहा है नाउन क्या है इसमें सना सना इज़ ए इंटेलिजेंट गर्ल सना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल सना एक मेहनती लड़की है इंटेलिजेंट इसमें क्या होगा एडजेक्टिव आगे हम इसकी मजीद एग्जाम्पल्स देखेंगे क्या आ स्टॉर्मी डे अब इसमें एडजेक्टिव क्या है स्टूडेंट स्टॉर्मी ठीक है इसमें एडजेक्टिव क्या है स्टॉर्मी स्टॉर्मी मतलब तूफानी दिन है मतलब वो डे इसमें नाउन है ये जो अंडरलाइन मैंने जिस वर्ड को किया हुआ है वो आपका नाउन है ठीक है और ये वर्ड जो स्टॉर्मी है वो एडजेक्टिव है जो आपके नाउन को डिफेंड कर रहा है नेक्स्ट आ ब्राइट फेस फेस क्या है नाउन और ब्राइट एडजेक्टिव है क्लियर है एन आफुल साउंड ठीक है इसमें साउंड नाउन है आफुल ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट आपको ऑब्जेक्टिव की समझ ऑब्जेक्टिव की समझ आ जानी चाहिए ऑब्जेक्टिव बेसिकली इसमें सिफ्त को भी कहते हैं ठीक है जो किसी चीज़ के सिफ्त के बारे में बताता है जो आपके नाउन को मॉडिफाई करता है जो आपके नाउन को डिस्क्राइब करता है एड एडजेक्टिव टू टू द फॉल्विंग नाउन्स राइट दैम इन योर नॉट बुक यहाँ पे मैं नीचे स्टूडेंट कुछ नाउन लिखूँगी, आप उसके एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करोगे मीन्स उसके उसके एडजेक्टिव लिखोगे उसको जो नाउन है उसको डिस्क्राइब करोगे इन फ्यू वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट एग्जाम्पल वी कैन सी अ हाउस ओके फर्स्टली मैं आपको सिंपल बताऊँगी अ हाउस अब इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे अ सिटी हाउस अ ब्यूटीफुल हाउस अ बिग हाउस इसको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं नेक्स्ट अ रिच पैलेस अ रिच पैलेस अ बिग पैलेस अ गॉडियस पैलेस अ फेंटेस्टिक पैलेस ठीक है इन नेक्स्ट अ न्यू कार अ न्यू कार अ रेड कार अ बिग कार अ बिग कार इन नेक्स्ट रेसिंग डॉग आ ब्यूटिफुल डॉग आ नाइस डॉग समझ आई स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन आ प्लास्टिक टॉर्च क्या प्लास्टिक टॉर्च इसमें टॉर्च नाउन है और आपने इसको डिस्क्राइब किया प्लास्टिक के साथ ठीक है स्टूडेंट्स आपको समझ आ जानी चाहिए ना ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं डिस्क्राइपिंग वर्ड्स होते हैं जो आपके ना उनको डिस्क्राइब करते हैं इन फ्यू वर्ड्स क्लियर है

सेंटेंस होगा देर आर टू ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट टू ईच अदर वी यूजली पुट अ कॉमा आफ्टर द फर्स्ट वन फॉर एग्जाम्पल ही वॉज अ टाल स्ट्रोंग मैन सो हम कहाँ कॉमा पुट करेंगे टाल के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ यहाँ पे एक सेंटेंस होगा जिसको जिसमें हम कोमाज ऐड करेंगे बाय एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव को देखते हुए स्टूडेंट जिस सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाए मतलब दो या दो से ज्यादा डिस्क्रा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आ जाए वहाँ पर कोमा यूज़ होता है फॉर एक्जाम्पल द ओल्ड ग्रेट ट्री वाज टर्ग अब देखें द ओल्ड अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं द ओल्ड ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया ग्रे सेंकेंड ये वर्ड हो गया डिस्क्राइबिंग ट्री आपका नाउन है वाज डेंगे कहाँ पे ऐड होगा स्टूडेंट देखें सी यू कैन सी द यू कैन सी कि कोमा ऐड हुआ है दो एडजेक्टिव कौन से थे ओल्ड एंड ग्रे सो ओल्ड के बाद क्या लगा दिया हमने कोमा क्लियर है स्टूडेंट एंड इन नेक्स्ट दे लिव इन अ लार्ज मॉडर्न हाउस अब देखें अब इसमें दो एडजेक्टिव कौन से हैं कौन से वर्ड हैं जो नॉन को कर डिस्क्राइब करें हाउस नॉन है लार्ज एंड मॉडर्न क्या है डिस्क्राइबिंग वर्ड है एडजेक्टिव्स हैं तो कहाँ पे कौन ऐड पुट करेंगे दे लीव इन अ लार्ज देन यहाँ पे क्या आ जाएगा कोमा एंड मॉडर्न हाउस क्लियर है यहाँ पे हमने कोमा ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे दो एडजेक्टिव थे इन नेक्स्ट

डा सॉरी वाज डर्टी डार्क एंड एम्पटी अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पे बेसिकली यूज हुए हैं तीन एडजेक्टिव एजक्ट, तीन डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज हुए हैं एक डर्टी एक डार्क एंड एम्पटी क्लियर है लेकिन Uh, जो जब दो आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड आ जाए मतलब दो आपके एडजेक्टिव आ जाए जब थर्ड आता है तो थर्ड में हम एंड यूज करते हैं क्लियर है जब लास्ट वन की बात होती है लास्ट वन डिस्क्राइबिंग वर्ड की बात होती है तो हम वहां पे एंड ऐड करते हैं सो यू कैन सी द रूम वाज डर्टी कोमा ऐड करेंगे डार्क एंड एम पटी क्योंकि डर्टी एंड डार्क के, के दरमियान क्या हमने ऐड किया कोमा सो स्टूडेंट्स ये हमने आ, कोमा की एक्टिविटी की थी कि कोमा आता कहाँ पे है सो इन नेक्स्ट ये यहाँ पे एक्टिविटी है स्टूडेंट फॉर यू लिस्निंग एंड स्पीकिंग डिस्क्राइबिंग सम ऑफ योर फेवरेट टॉय और क्लॉथ टू योर फ्रेंड आप पिक्चर में देखें स्टूडेंट यहाँ पे कुछ क्लाउड्स हैं मतलब कपड़े हैं क्लॉथ्स हैं और फेवरेट है ठीक है आप, आपने इसको डिस्क्राइब करना है इन योर वर्ड स्टूडेंट्स टाक अबाउट फेवरेट टॉय एंड ट वाई आर योर फेवरेट्स टू सम डिस्क्राइबिंग वर्ड जस्ट लाइक आई लाइक माई स्कूटर आई लाइक teddy bear. आई लाइक like my डॉल ठीक है डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब adjective को यूज़ करते हुए अपने फ्रेंड को बताएं कि मुझे ये cloud पसंद है या ये toy मुझे पसंद है होप्स और स्टूडेंट आपको समझ आई होगी And in next learn bookwork and write on them on your notebook thank you so much